हाय गाइस, मैं हूँ अपनी ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरीज के 13th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है डायोनाइसिस। ज़ूस के जब न्यूली बॉर्न बच्चे डायोनाइसिस के बारे में हेरा को पता चला तो उन्होंने टाइटन्स को ऑर्डर किया कि उस बच्चे को किडनैप कर लिया जाए और मार दिया जाए, उनके टुकड़े टुकड़े कर कर। एक ऐसा बच्चा जिसके हॉर्न्स थे, यानी कि ऊपर उनके हॉर्न्स थे और सर्पेंट्स उनके हॉर्न्स के ऊपर बैठे हुए थे, बहुत पावरफुल लेकिन बहुत ज़्यादा ईविल। बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद भी उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में शेड कर दिया गया और जो उनके टुकड़े थे उन्हें कोल्ड्रन में, एक बड़ी सी कढ़ाई में बॉयल करने के लिए रख दिया गया। लेकिन जहाँ जहाँ उनका ब्लड गिरा था, जहाँ जहाँ उनका खून गिरा था, वहाँ से एक ड्रॉप पे से एक पोमोग्रेनेट यानी कि अनार पैदा हुआ और रिया ने, जो कि उनकी ग्रैंड मदर है, जो कि उनकी दादी हैं, जो कि ज़ूस की भी माँ है, उन्होंने उसे लेकर रिकंस्टिट्यूट किया, यानी कि बच्चे को फिर से बियर किया और फिर से डायोनाइसिस को जन्म दिया। वहाँ पर ज़ूस ने जिम्मेदारी दी पर्सिफोन को। पर्सिफोन ने तुरंत डायोनाइसिस को लिया और एथमस, किंग ऑफ ऑर्किमेनस को जाकर सौंप दिया। और एथमस ने अपनी वाइफ आइनो से कहा कि उन्हें अपने फीमेल क्वार्टर्स में रखें, डायोनाइसिस को फीमेल क्वार्टर्स में रखें और एक लड़की बनाकर रखें। लेकिन हेरा को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता था, उन्हें तुरंत पता चल गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने एथमस और आइनो से बदला लिया। ऐसा बदला कि एथमस ने अपने खुद के बच्चे को हिरन समझकर आगे ज़ूस के इंस्ट्रक्शंस पर हर्मस ने डायोनाइसिस को एक किड में ट्रांसफॉर्म कर दिया और 5 निम्स के सामने उन्हें पेश किया जो कि माउंट नाइसा पर थी। उन्होंने डायोनाइसिस को बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, उन्हें बड़ा किया, उन्हें फीड किया हनी से और उनको बहुत प्यार किया। जैसे कि ज़ूस बड़े हुए थे वैसे उसी तरीके से कुछ हद तक डायोनाइसिस भी बड़े हुए। और डायोनाइसिस जब बड़े हो रहे थे तो उसी कहीं दौरान उन्होंने वाइन इन्वेंट की जिसके लिए उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। जब डायोनाइसिस अपने मैनहुड की तरफ बढ़ रहे थे तब भले ही उनमें थोड़ा सा फीमेल एलिमेंट मौजूद थे क्योंकि उनकी एजुकेशन ने उन्हें उन चीज़ों से डिस्पोज किया था, बट फिर भी हेरा ने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया था, ये ज़ूस का वही बच्चा है जिन्हें उन्होंने मारने की कोशिश। डायोनाइसिस जैसे जैसे बढ़ते गए वो अपने ट्यूटर के साथ सबसे पहले इजिप्ट गए, वहाँ पर उन्होंने वाइन कल्चर स्प्रेड किया, वहाँ पर सब चीज़ें कॉन्कर की, फिर इंडिया, फिर यूरोप और धीरे धीरे करके पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करने गए। उन्होंने वो खुद पागल हो गए थे क्योंकि उनका मैनहुड उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने एक फीमेल बनकर, एक किड बनकर अपनी ज़िंदगी, जो टीनेज जो लाइफ है वो गुजारी थी। इस बीच उन्होंने काफ़ी खून भी किए, काफ़ी मर्डर्स भी किए। जब वो वापस आए तो रिया, जो कि उनकी ग्रैंड मदर और मदर भी थी ना, उन्होंने उनके सारे पापों के लिए उन्हें क्षमा किया, उन्हें लिबरेट कर दिया और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी। इनफैक्ट ज़ूस ने जो 12 मेन ओलंपियंस हैं उसमें एक स्थान डायोनाइसिस को भी दिया। जब डायोनाइसिस ऑर्किमेनस वापस गए तो वहाँ पर उनकी 3 सिस्टर्स थी, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया वहाँ से बाहर जाने के लिए लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने एक लड़की बनकर भी उन्हें मनाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी, तो फिर उन्होंने एक लायन, एक बुल और दूसरे जंगली जानवरों का रूप धारण करना शुरू किया जिससे कि वो पगला गई। उसके बाद ल्यूसिपी ने अपने खुद के बच्चे हिपासिस को सैक्रिफाइस के लिए दे दिया जिसे उन तीनों सिस्टर्स ने मिलकर पूरा तरह से चीर फाड़ करके ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उन्हें बर्ड्स का फॉर्म डायोनाइसिस ने प्रोवाइड किया या फिर ल्यूसिपी ने, और फिर वो वहाँ से उड़ गई। ऐसी कई कहानियाँ हैं डायोनाइसिस से संबंधित। एक काफ़ी काम पोर्ट्रेयल है उनका उनकी राइटिंग में, अगर आप उनकी ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनेंगे तो ये जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है एकदम काम है, एकदम ऑब्वियस वे ऑफ लिविंग है। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स किए थे, एक मैनहुड, एक किड और एक यू नो फीमेल, तीनों वर्जन्स में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद ही वॉज अमंग द 12 ओलंपियंस। डायोनाइसिस की मिस्ट्री कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है वाइन कल्चर जो है यूरोप, एशिया और पैसिफिक एरियाज़ में, क्योंकि वाइन ग्रीक्स ने इन्वेंट नहीं की थी। कहीं ना कहीं ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा था वाइन का और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वाइन का, वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन उसका डायोनाइसिस की तरफ से आता है।
तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान में रखने वाली बात है। ये डायनाइसिस के बारे में और भी कुछ कहानियाँ होंगी जो दूसरी कहानियों से एसोसिएटेड होंगी, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस एडवाइसेस आइडियाज़ है जिससे हम ये कुछ नए वीडियोज़ आपके सामने लेकर आ सकते थे, आप चाहते हैं कि हम कोई स्टोरीज़ ऐसी आपके सामने पेश करें या आप ऐसी कोई स्टोरीज जानते हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में।